सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। आज जो दिन मनाया गया है कौन सा दिन? आज देश की बहुजन समाज की नेता बहन मायावती जी का 63वां जन्मदिन था। हम सब लोगों ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये कार्यक्रम किया है और ये हम लोगों ने यहाँ मिलकर के प्रण किया है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर के आने वाले किसी संघर्ष में, किसी आंदोलन में या किसी भी चुनाव में बढ़ चढ़ करके मजबूती के साथ एक दूसरे के से मिलकर के और काम करेंगे। आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा, चाहे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हो, हम लोगों ने यह तय कर लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की विदाई करो। अब गठबंधन का प्रत्याशी ही यहां से जीत करके जाएगा। एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन के प्रत्याशी को मिलेगा। देखिए ये अरेबी लोग हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए तमाम प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन हम लोगों ने यही कार्यकर्ताओं से अपील की है कि किसी की अफवाह में ना आकर के मजबूती के साथ एकजुट होकर के हमें रहना है, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, एक दूसरे के लिए समर्पित भाव से काम करके और हम इस गठबंधन को मजबूत बनाएंगे और गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे। नेताजी, भाजपा और उमा भारती का कहना है कि आपका गठबंधन ठगबंधन है। देखिए, अब वो तो इसलिए कहती हैं कि उन्होंने बहन जी ने 5 साल, बहन उमा भारती जी ने 5 साल तो यहाँ जनता के बीच में कुछ किया नहीं है, ना जनता के बीच में आई हैं, ना किसी ने उनसे बात की है, ना टेलीफोन पे किसी ने बात की है, तो अब उनके पास हताशा के अलावा कुछ है नहीं। अब वो जो है हताशा के भाव से बोल रही है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन मजबूत है, एक एक वोट गठबंधन के प्रत्याशी को पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त किया है। कितने किलो का केक काटा गया, किस प्रकार जन्मदिन मनाया गया? आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग पूरे देश में बहन कुमारी मायावती जी का 63वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और वो जन्मदिन हम लोग हर साल जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं और इस जन्मदिन के मौके पर हम लोग गरीबों में कंबल बांटते हैं, मरीजों को फल वितरित करते हैं और मिष्ठान वितरित करके और उनकी दीर्घ आयु की कामना करते हैं ताकि बहन कुमारी मायावती जी स्वस्थ रहें और बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई, बहुजन समाज इस देश में कैसे हुक्मरान समाज बने, ऐसी कामना करते हुए हम लोग ये जन्मदिन हर वर्ष मनाते हैं। आज लक्ष्मी गार्डन में हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं और ये जन्मदिन हर वर्ष की भांति से ये हटके जन्मदिन है। आज इस जन्मदिन में समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उनके नेताओं ने, चाहे हमारे छतपाल सिंह यादव जी हों राज्यसभा के सांसद, चाहे हमारे छतपाल सिंह यादव जी हों जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, श्याम सुंदर सिंह, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने आज हमारे साथ इस जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है। उन्होंने भी बड़े हर्षोल्लास के साथ और बहन जी की दीर्घायु की कामना करते हुए आज इस जन्मदिन को मनाया है। जन्मदिन में क्या संकल्प लिया गया गठबंधन? जन्मदिन में हम लोगों ने ये संकल्प लिया है, पूरे बहुजन समाज के कार्यकर्ता हर गांव से, हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की थी कि हर गांव से, पूरे जनपद के हर ग्राम गांव से एक हम लोगों ने गाड़ी की व्यवस्था की थी ताकि वो लोग या जो हमारे पदाधिकारी हैं कार्यकर्ता हैं वो आएँ। और आज हम लोगों ने एक ही संकल्प लिया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में
बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो, लोकसभा का टिकट जो भी लेके आ जाएगा, हम उसको बहुजन समाज पार्टी का एक एक वोट हाथी वाले खाने या साइकिल वाले खाने में हम लोगों के वोट डालने का काम करेंगे, ताकि यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी जीतकर दिल्ली पहुंचे, ताकि बहन कुमारी मायावती जी के और अखिलेश जी के हाथ में। लगातार कहा जा रहा है गठबंधन जो है वो मजबूरी का गठबंधन हुआ है। गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, उन्होंने लगभग 46 दलों का गठबंधन किया है और उन 46 दलों के गठबंधन पर हम लोगों ने कभी कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन आज वर्तमान में जो समाजवादी पार्टी और भारतीय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन से इतनी हताशा और निराशा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी है, वो इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं कि वो इस गठबंधन को उन्हें सहन नहीं हो रहा है। उन्हें सपनों में ये गठबंधन याद आ रहा है। ये गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, टूट जाएगा। देखिए राहुल, ये गठबंधन राहुल बड़ा लंबा चलेगा। माननीय बहन जी ने राहुल हम लोगों को निर्देशित किया है। आईडी थोड़ी सही का है राहुल, इस आईडी हमें जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें हमें भाईचारा कायम करना है, दोनों दलों की विचारधारा बताना है, क्योंकि दोनों दलों की लड़ाई एक ही है, इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना हो, हजारों साल से जो गैर बराबरी जुआ छूट नीच व्याप्त है उसका अंत हो और सब समाज के लोग इस देश में खुशहाल हों। ये बातें जब हम बहुजन समाज पार्टी के लोगों को बताएंगे तो बहुजन समाज पार्टी के हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके, चाहे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो या बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हो, एक एक वोट देकर, जो माननीय चंद्रपाल सिंह यादव जी ने सांसद जी ने कहा है कि उनका भी एक एक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी को वोट देगा, और हम भी इनसे वादा करते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आया तो बहुजन समाज पार्टी का एक एक वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा। और सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।